नमस्कार दोस्तों, जैनी कैसे में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक बेल होगी, उसे क्लिक करके आप पा सकते हो हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन। आप लोगों ने अपने घर के आसपास या फिर ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि गले में माला या ताबीज पहनते रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि माला या ताबीज गले में तो पहन लेते हैं, लेकिन इसे पहनकर क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह बात नहीं पता होती। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि माला या ताबीज पहनकर भी कुछ ऐसे गलत काम कर देते हैं जिसके कारण उन्हें काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि माला और ताबीज गले में पहनने से हमें कौन कौन सी काम नहीं करने चाहिए। माला या ताबीज गले में पहनने से ये काम नहीं करने चाहिए। नंबर एक, बता दें कि गले में माला या ताबीज पहनने रखने से कई बुरी शक्तियों का नाश होता है और इससे हमारा शरीर रोगों से मुक्त रहता है। इसीलिए अगर आप गले या माला या ताबीज पहने तो कोई भी गलत काम ना करें। नंबर दो, जो लोग गले में ताबीज या माला पहनते हैं वह कभी भी इसे पहनकर ना नहाए, क्योंकि माला या ताबीज काफ़ी पवित्र मानी जाती है और स्नान करने समय शरीर का गंदा पानी इस पर होकर गुजरता है जो कि अच्छी नहीं है। इसलिए आप इन सभी गलतियों से बचें। क्या आप गले में माला या ताबीज पहनते हैं? अगर पहनते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। किसी भी तरह की मदद अथवा सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।